Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I hope you will be doing good at home and I hope that you will be safe at home. As you know that we have completed a unit number 1. So we are going to do the exercise of this unit question answers. So you have to take out your copies first. This is your question answers on page number 15. Okay, 15 pe aapke question answers given hai ye wale. We are going to do this in copy. So this is your copy. First, what you have to do, you have to write the date. Tuesday, comma, April 27, 2021. And proper margin line. First term syllabus. ठीक है, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखा दिया था, तो फिर मैं आपको ये नहीं अब रिटन वर्क में दिखा रही, ये आप कर चुके होंगे. नाउ दिस इज योर नाउ यूनिट नंबर 1. आपने इसी तरह मार्कर से राइट करना है. सेल एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लेसन आउटलाइन. ये तीनों आपने मार्कर से राइट करने हैं और बाकी जो आपका वर्क है वो आप अपने इंक पेन से राइट करेंगे. इसी तरह प्रॉपरली अंडरलाइन करना है. रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 15. चूज द करेक्ट आंसर्स पेज 15. ट्रू फॉल्स पेज 16. चार्ट पेज 16. डायग्राम पेज नंबर 2, 4 एंड 16. एंड फुल जो आपका यूनिट है वो कौन से पेजेस में आता है. 1 to 16. 1 से लेके 16 तक आपका ये पूरा यूनिट है. अच्छा, ये जो डायग्राम्स हैं ये हम बुक से ही करेंगे, लेकिन एक माइक्रोस्कोप है जो बहुत ज़रूरी है, वो आपने ड्रॉ करना होगा. नाउ दिस इज योर नेक्स्ट पेज. राइट डाउन द डेट. ट्यूजडे April 27, 2021. ड्रॉ द प्रॉपर मार्जिन लाइन. टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स रेफरेंस पेज नंबर 15. इसी तरह प्रॉपरली आपने अंडरलाइन करना है इसको. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. What do you know about cell? Cell के बारे में आप क्या जानते हैं वो हमने write करना है. Cell is the basic building block of all living beings. ठीक है, cell क्या है, वो basic building block है हर human being का, जितने भी living beings हैं उन सब का. The average human body has roughly 37.2 trillion cells. ठीक है, एक जो human body है उसके अंदर roughly हमने जो book में अंदाज़ा लगाया हुआ है वो है 37.2 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं. सेल्स कैरी ऑल ऑफ द बायोलॉजिकल टूल्स नेसेसरी टू कीप अ लिविंग बीइंग अलाइव. ठीक है, सेल के अंदर वो सारी बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी होता है ज़िंदा रहने के लिए. नीचे वाली एंडिंग लाइन आपने प्रॉपरली ड्रॉ करनी है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर. कितने टाइप्स हैं सेल्स के. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. 2 टाइप हैं सेल के. प्रोक्रियोटिक सेल नंबर 1 है. अब वो क्या होते हैं. दे आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल. ये सिंपलेस्ट होते हैं. दे कैरी साइटोप्लाज्म. इसमें साइटोप्लाज्म होता है एंड डीएनए दैट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द सेल. ठीक है, और ये क्या करता है, ये जो है वो सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है. नंबर 2 यूक्रियोटिक सेल. यूक्रियोटिक सेल कौन से होते हैं. दीज आर द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल. ये कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं. दे हैव अ सेल मेम्ब्रेन. इनका सेल मेम्ब्रेन होता है. समटाइम्स अ सेल वॉल. और कभी कभी इनके पास सेल वॉल भी मौजूद होता है. साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए. और एक न्यूक्लियस भी मौजूद होता है जिसमें डीएनए होता है. अब यहाँ पे आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है. अच्छा, कौन सी डायग्राम है, आई विल शो यू. दिस डायग्राम इज ऑन पेज नंबर 4. ओके, ये आपके पास प्रोक्रियोटिक की डायग्राम है और ये जो है आपके पास यूक्रियोटिक की डायग्राम है. तो ये दोनों डायग्राम्स जो है वो आपने इस क्वेश्चन के साथ ड्रॉ करनी है. पेज नंबर 4 हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल. क्या कोई डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, तो वो डिफरेंसेस अब हम देखते हैं. प्लांट सेल इसी तरह आपने सेंटर में लाइन ड्रॉ कर देनी है और साथ में एनिमल सेल यहाँ पे राइट कर देना है. अब इन दोनों का डिफरेंस हमने बताना है कि क्या डिफरेंस है. प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल. प्लांट सेल के अंदर जो है सेल वॉल होता है और एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं होता. प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल. एक लार्ज वैक्यूल होता है और उसके अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं. और प्लांट सेल हैज अ क्लोरोप्लास्ट, जहाँ के एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता. ठीक है, इसके साथ भी आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है. वो डायग्राम पेज नंबर
5 पे आपके पास गिवन है, ठीक है, प्लांट सेल है ये आपके पास, लेकिन आपने इसके डिफरेंसेस को शो करना है, ठीक है। तो डिफरेंसेस के लिए क्या है कि आपने ये प्लांट सेल की ड्रॉ कर दी है, ठीक है, उसके बाद आपने एनिमल सेल की ड्रॉ करनी है। अब एनिमल सेल की आप किस तरह ड्रॉ करेंगे कि ये वाली मतलब एनिमल सेल की है और ये प्लांट सेल की है, तो इन दोनों की आप पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, डायग्राम इनकी ड्रॉ कर देंगे आप, और उसमें डिफरेंसेस आप शो कर देंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 5 and 6। डेट वॉज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।